दोस्तों करीब 9 महीने पहले चीन के वुहान की जानवरों के मार्केट से निकला कोरोना वायरस लाखों लोगों की जान ले चुका है। तमाम विवादों के बीच माना जा चुका है कि यह वायरस चमगादड़ के जरिए आया है और अब इस वायरस का तोड़ खोजने के लिए इंसान जानवरों का ही इस्तेमाल कर रहा है। वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए जहाँ चूहे और बंदरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं वैक्सीन बनाने में शार्क, गाय, चूहे और घोड़ों के खून का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में किया जा रहा है। इन जानवरों को या तो अपनी जान देनी पड़ रही है या तो उनके खून का इस्तेमाल हो रहा है। वैक्सीन के लिए केकड़े की खून का इस्तेमाल। समुद्र में मिलने वाले हॉर्सशू क्रैब ही कोरोना वायरस का टीका तैयार करने में मददगार साबित हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खास समुद्री प्रजाति के केकड़े में हल्के नीले रंग का खून होता है जो विभिन्न बीमारियों के टीके तैयार करने में इस्तेमाल होता है। अब कोरोना वायरस से लड़ने में भी इस केकड़े का खून मददगार साबित हो रहा है। हॉर्सशू क्रैब धरती पर लगभग 30 करोड़ साल से मौजूद है। इन केकड़े के 10 आंखें होती हैं। इस केकड़े का हल्का नीले रंग का खून अब तक दुनिया के तमाम बीमारियों के इलाज में मददगार साबित होता रहा है। किसी भी टीके के भीतर एक भी बैक्टीरिया मौजूद नहीं होना चाहिए वरना इंसानों की मौत हो सकती है। हॉर्सशू क्रैब का नीला खून टीके में मौजूद बैक्टीरिया को मार देता है। हॉर्सशू क्रैब यानी घोड़े के नाल के आकार वाले केकड़े। कोरोना महामारी के बीच ये केकड़ा अब वैज्ञानिकों की दिलचस्पी की वजह बन गए हैं। वैज्ञानिक कोरोना वायरस की संभावित वैक्सीन बनाने के लिए इस केकड़े पर शोध कर रहे हैं, लेकिन इस कारण लिविंग फॉसिल माने जाने वाले इन केकड़ों के अस्तित्व को लेकर खतरा पैदा हो गया है। माना जा रहा है कि धरती पर इस प्रजाति के केकड़ों की संख्या कम है और दवा के लिए इनके खून के इस्तेमाल से इनकी संख्या और कम हो सकती है। केकड़े के खून से मिलने वाले ब्लड सेल दवा में मौजूद हानिकारक तत्वों से केमिकली रिएक्ट करते हैं और इस तरह से वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि नई दवा इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हॉर्सशू केकड़ा धरती पर पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा जीव है जिसे इस तरह की टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सीन के लिए 5 लाख शार्क की जिंदगी दांव पर। कोरोना महामारी से इंसान तो अपनी जान गंवा ही रहे हैं, अब जानवरों की जिंदगी पर भी आफत आ गई है। जीव संरक्षणकर्ताओं ने चेतावनी जारी की है कि कोरोना वैक्सीन के लिए 5 लाख शार्क की हत्या की जाएगी। दरअसल दुनिया भर के लिए वैक्सीन की डोज बनाने में शार्क के शरीर में मिलने वाले खास तेल का इस्तेमाल किया जाना है, इसलिए 5 लाख शार्क की जिंदगी खतरे में है। द वेदर चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के हर शख्स को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन का डोज दिया जाना है। अगर प्रत्येक व्यक्ति को 2 डोज दिए गए तो 5 लाख शार्क को मारा जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया कि शार्क के लिवर में प्राकृतिक तेल स्क्वेलिन पाया जाता है जो कोरोना वैक्सीन के डोज बनाने में सहायक है। स्क्वेलिन को लिवर ऑयल भी कहते हैं। इसके इस्तेमाल से वैक्सीन का टीका ह्यूमन बॉडी में बड़ी मात्रा के साथ एंटीबॉडी विकसित करेगा और वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम को ताकतवर बना देगा। इससे वायरस खत्म होने के साथ ही लंबे समय के लिए बॉडी सुरक्षित हो जाएगी। 1 टन लीवर ऑयल स्क्वेलिन पाने के लिए करीब 3 लाख शार्क को मारना पड़ेगा। दुनिया का नामचीन दवा निर्माता कंपनी गैलेक्सो स्मिथलाइन ने कोरोना वैक्सीन के 1 अरब से ज्यादा डोज बनाने का ऐलान किया है। इन डोज में लीवर ऑयल स्क्वेलिन का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। गैलेक्सो स्मिथलाइन पहले से ही फ्लू की वैक्सीन के डोज में लीवर ऑयल स्क्वेलिन का इस्तेमाल कर रहा है। वैक्सीन के लिए गाय के खून का इस्तेमाल। वैक्सीन ट्रायल के लिहाज से चूहों एवं उसकी एक समान एक अन्य जानवर हैमस्टर के मुकाबले गाय अधिक उपयोगी होती है। NPR के मुताबिक गाय से ढेर सारा ब्लड प्लाज्मा लिया जा सकता है। गाय हर महीने 30 से 45 लीटर ब्लड प्लाज्मा देने में सक्षम होती है। इतने ब्लड प्लाज्मा से सैकड़ों मरीजों का इलाज हो सकता है। साथ ही गाय के ब्लड प्लाज्मा में इंसानों या चूहों के मुकाबले ज्यादा एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। रिपोर्ट कहती है कि इंसानों के 1 लीटर खून से जितना प्लाज्मा निकलता है उससे दोगुनी मात्रा में गाय के खून से निकाला जा सकता है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की SAB बायोथेरापीटिक्स ने सैकड़ों गायों में विशेष अनुवांशिकी का संवर्धन किया है जिनमें आंशिक रूप से इंसानों का प्रतिरोधी तंत्र है। इतना ही नहीं, गाय वायरस के खिलाफ तरह तरह के एंटीबॉडीज तैयार करती हैं। यानी अगर वायरस अपना रूप बदलता है यानी म्यूटेशन करता है तो गाय उसी अनुसार एंटीबॉडीज भी तैयार कर लेती हैं। वायरस से बचाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल। कोरोना वायरस से इंसानों को बचाने के लिए घोड़ों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
दरअसल ICMR ने घोड़ों में वायरस का इंजेक्शन देकर एंटी सेरा विकसित किया है। एंटी सेरा एक प्रकार का ब्लड सीरम है जिसमें किसी विशेष रोगाणु से लड़ने की क्षमता रखने वाले एंटीबॉडी की मात्रा ज्यादा होती है और किसी भी विशेष संक्रमण से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को तत्काल बढ़ाने के लिए इंसानों को ये इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। इससे पहले एंटी सेरा, जिसे हॉट सेरा भी कहा जाता है, इसको कई तरह के विषाणुओं को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। इस ब्लड सीरम को कई तरह के वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रेबीज, हेपेटाइटिस बी, वैक्सीन या वायरस और टिटनस, बोटलिज्म और डायरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है।